करौली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आगामी नेशनल लोक अदालत 11 दिसंबर हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। इसके साथ ही मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान माननीय न्यायाधीशों के साथ माननीय अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ विधिक सेवा अधिकारी सहित अन्य लोगों की मौजूदगी में बैठक के दौरान विविध जानकारियों से अवगत कराया गया। इस आयोजन के दौरान जहां लोक अदालत के विषय में जानकारी दी गई, वहीं मध्यस्थता को लेकर के विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। फैमिली मैटर जो चलते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिएशन के माध्यम से निराकरण करने से परिवार टूटने से बच जाता है। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है और आग्रह है कि अधिक से अधिक मेडिएशन का लाभ लेकर के पारिवारिक विवादों का निराकरण करें। और कुछ बोलना है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश महोदया श्रीमती रेणुका कंचन के मार्गदर्शन में दिनांक 11 दिसंबर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत का आयोजन जिला स्तर पर जिला न्यायालय परिसर दमोह में और तहसील स्तर पर सभी तहसील न्यायालयों में किया जा रहा है। लोक अदालत में सभी प्रकार के मामलों में जिनमें समझौता हो सकता है उनको रखा जा रहा है। उसमें पारिवारिक विवाद, फौजदारी के मामले, सिविल के मामले, जो भी मामले कोर्ट में पेंडिंग हैं और जिनमें समझौता हो सकता है उन सभी मामलों को उसमें रखा जाएगा। और ऐसे मामले जो कोर्ट में पेंडिंग नहीं है, वो कोर्ट में आने की जिनकी संभावना है, जिनके ऊपर आगे लिटिगेशन आ सकता है, ऐसे केसेस को प्री लिटिगेशन के तौर पर भी लोक अदालत में निराकृत किया जाएगा। उसमें बैंक के मामले, धारा 138 चेक बाउंस वाले मामले, फॉरेस्ट विभाग के मामले और विद्युत विभाग वाले मामले, इन सभी विभागों के जो लिटिगेशन हैं, जो पेंडिंग हैं या जो अब आगे पेश हो सकते हैं, दोनों परिस्थितियों के मामलों को इसमें रखा जाएगा और अधिक से अधिक मामलों को निराकृत करने का प्रयास किया जाएगा। और मैं आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से दमोह के सभी नगरवासियों से ये निवेदन अनुरोध करते हैं कि इस लोक अदालत का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक मामलों को निराकृत कराएं। मीडिएशन में सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ना किसी की हार होती है। मेहता साहब एक मिनट, मीडिएशन में सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ना किसी की हार होती है ना किसी पक्ष की जीत होती है। दोनों मिल के जाते कि हम भी जीते और आप भी जीते। मीडिएशन का इसमें वकील का रोल सबसे ज़्यादा रहता है। हमारे यहाँ के जो पार्टीज हैं, अगर अधिवक्ता चाहें तो मिल के माने, दोनों पक्षकार मिल के अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से मीडिएशन करा सकते हैं। और मीडिएटर की एक सबसे बड़ी, जो आप बता रहे ना, सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि ये पूरी कार्रवाई जो है ये गोपनीय होती है और दोनों पक्षों को अच्छे से सुन के और जहाँ पर भी माने ऑब्जेक्शंस या कहीं पर कोई विरोधाभास होते हैं उसको अलग करते हुए सामंजस्य दोनों के बीच में मिलाकर कि कैसे एक दूसरे के माने पक्ष को अपन रख के और दोनों को मिला दें, ये बहुत बड़ी कला होती और बहुत इजी है माने मीडिएशन। ऐसा कोई वो नहीं है, थोड़े से आदमी के ईगो जागता है, उन्होंने कहा साहब हमें ज़ोर से चिल्ला देते हैं, हमें शाम को मार देते हैं, यार कोई भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, फैमिली कोर्ट्स में हो जाती हैं, कहीं कहीं मित्रों के बीच में लड़ाई हो जाती है, कहीं पे भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं पे भी आपस में जरा सी बात का विवाद होता है, लेकिन अगर उसको अपन ठीक कर दें मिलके, और वो भी मीडिएटर के लिए ऊपर रहता है वो कैसे उसको ठीक करे और दोनों पक्षों को कैसे मिलाए। ये अभी हमें एक मीडिएशन मिला था साहब, जैन मंदिर में मैंने वो मीडिएशन कराया था वहाँ पर, वो जैनी लोग थे सब, तो जो हमने हमारे रिजल्ट दिया था वही रिजल्ट लास्ट में हुआ है। तो कभी कभी हमें इसका भी सहारा लेना पड़ता है, धर्म का सहारा लेना पड़ता है हर जगह से कि कैसे भी हमारा मीडिएशन सफल हो जाए और दोनों पक्षकारों के बीच शांति, समाज में शांति रहे सब जगह। और इनका सबसे बड़ा खर्चा भी मिटता है, खर्चा नहीं लगता, अपील नहीं होती कहीं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दोनों में से ना कोई हारता है ना जीतता, इसलिए मीडिएशन सबसे अच्छी चीज़ है। जो मीटिंग का आयोजन किया गया है उसमें मुख्यतः दो विषय रखे गए हैं, एक तो मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण और दूसरा लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण, और दोनों बहुत आवश्यक मुद्दे हैं और पक्षकारों को भी इसके लिए सोच विचार करके आना चाहिए। और मध्यस्थता का मार्ग
और लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि प्रकरणों के निराकरण में तीन मुख्य चीज़ें हैं। पहला समय की बचत, दूसरा आर्थिक बोझ से बचना और तीसरा आपसी वैमनस्यता से बचना। लोक अदालत और मध्यस्थता के माध्यम से जिन प्रकरणों का निराकरण होता है उसमें आर्थिक रूप से भी पक्षकार बच जाते हैं खर्च करने से, दूसरा समय की बचत होती है और समय बड़ी बात होती है कि दो पार्टियों में किसी प्रकार की कोई वैमनस्यता नहीं होती है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए अधिक से अधिक जनता को जिनके भी प्रकरण पेंडिंग है उनको चाहिए कि लोक अदालत के माध्यम से वो मध्यस्थता के माध्यम से अपने प्रकरणों का निराकरण करवाएं। धन्यवाद। बहुत ही सरल है और सुगम है, क्योंकि दोनों पक्षकारों को अपने अपने तरीके से अपना केस निपटाने के लिए पूरा पूरा सहयोग और पूरा पूरा समय दिया जाता है, ताकि परिवार न टूटें, ताकि प्रकरणों का निराकरण उनके ही द्वारा अपने प्रकरणों का खुद ही निराकरण किया जाए, तो आगे कोई विवाद रहता ही नहीं है। और मीडिएशन के विवाद, मीडिएशन में जो विवाद सुलझते हैं उनकी कोई अपील नहीं होती, और मीडिएशन की प्रक्रिया पूर्णतः गुप्त रखी जाती है, मतलब कोई भी पक्षकार के किसी भी बात को कोई भी मीडिएटर लीक नहीं करता है। तो पक्षकारों के जो आपसी जो भी उनके तनाव या उनके जो भी रहते हैं परेशानियां उनको ना डिक्लेयर ना करते हुए वो अपने आप में आपसी तौर से मुकदमे निपटते हैं और मीडिएशन से अच्छी और सरल तरीके से निपट जाते हैं।